हम लोग टोटल 50 किलोमीटर चला के एकदम टाउन घूम चुके, लगता है ऑलमोस्ट पूरा पुणे घूम चुके हैं हम लोग, सब जगह कवर कर दिए। दो तीन दिन में हम लोग शायद ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का ऊपर घूमे। तो यहाँ पे ये पैलेस में आए हैं। कौन सा पैलेस? आगा खान पैलेस? नहीं, हमने नहीं देखा। कंघी क्यों चाहिए? ले करता हूँ, जल्दी रखो। ये रहा आगा खान पैलेस, अभी जाके अंदर देखते हैं। शक्ल का तो एकदम बैंड बज चुका है एकदम। मेकअप करके रेडी गंदा रेडी पूरा आँख वाश साहिल का मुंह से एक के जी गंदा निकला है जो लीला और इल्मा का बस छोड़ ही देते हैं बाद। उसके लिए तो दो तीन पैकेट लाने पड़ता है। नहीं, पर ये जगह के बारे में इल्मा नहीं पता क्या। बहुत ही पीसफुल जगह है, एकदम शांति है। और यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको भरने पड़ेंगे एक जन का 20 रुपये, तो 4 जन का हमारा लगा 80 रुपये। और वो गार्ड अंकल बोल रहे थे यहाँ पे पूरा गांधी जी का हिस्ट्री के बारे में, गांधी जी यहाँ पे रहे थे तो उनके बारे में ही है, तो बोले अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी जाके देखते हैं। चलो पढ़ो यहाँ पे, गांधी जी का तुम पढ़ो आगे जोर से, हिंदी इंग्लिश दोनों है, मराठी भी है। क्या बोला? दिस आगा खान पैलेस इज ऑल्सो नोन एज गांधी नेशनल मेमोरियल, वॉज बिल्ट इन द ईयर 1892 बाय द थर्ड आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी महात्मा गांधी म्यूजियम, और आपका वहाँ पे तो मैं देख के डर गया था, गांधी जी बैठे हुए मेरे को लगा कसम से, मतलब किसको बैठा दिया यार। तो जो सपाट, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। पैलेस तो बहुत ही सुंदर है, समाधि भी है यहाँ पे। क्या रिकॉर्ड करना अलाउड है? ये गांधी जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के भाषण सुन सकते हैं। गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। ये कौन है दादा? नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा, इसे दिखा देता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना। इधर भी, ये भी इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिया, जितना स्कूल में नहीं पढ़ता हिस्ट्री सारा यहाँ पे पढ़ लेना। गांधी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ओके। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में लिखा हुआ है, द रेजोल्यूशन डिफेंस एटीट्यूड ऑफ फॉरिजन सोल्जर्स, यहाँ पे ये द रेजोल्यूशन डिफेंस एलियंस सिख वांट फ्रीडम नॉट बट नॉन वायलेंस वायलेंटली सॉरी ये नहीं बोला था भाई, मारूंगा ना किसी कभी, भैया बोलेंगे फिर पर्सनल जा रहे हो। साइलेंस प्लीज। क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ट, पूरा जितना स्कूल में नहीं पढ़ता ना हिस्ट्री सारा यहाँ पढ़ लेना। मैं सब जगह दिखा रहा हूँ पॉज कर करके। गांधी जी अपना टच नहीं करूंगा,
गांधी जी पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन और इधर है महादेव पास हमें, यह है उनका स्टैच्यू और ये बंद है पता नहीं, ये यहाँ पे सारा दिखा दिया मैंने, अब चलते हैं बाहर की तरफ। ये कौन है? हीरोइन पता कौन है? ये वाला, ये तो हर जगह पे शायद वो ना पेपर वगैरह भी करते हैं। ये द मोमेंट मूव फॉरवर्ड सेटिंग ऑफ रेडियो स्प्रेडिंग ऑफ द मोमेंट। ये रहा रेडियो, गांधी जी कुछ पढ़ रहे हैं पर पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। दिस इज टू रहा है इधर दिल्ली का रहेगा। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ बोल तो? यहाँ गांधी जी का चप्पल है। इधर भी कुछ है पर पता नहीं, ये तो लॉक किया हुआ है और पीछे मतलब रस्सी वस्सी जैसा कुछ दिख रहा है, ये गांधी जी गला में पहनते थे। अब अंदर देखते क्या है। यहाँ पे कुछ गांधी जी के बिलोंगिंग से जो यहाँ पे रखे हैं, बापू का स्टिक, बापू वहीं पे बैठते थे, बापू का चप्पल, शायद वो चरखी। ओए वो कौन है वो जो बापू के साइड में जो है दादी वाइफ होगी पागल, और दादी जैसी लग रही है उनकी वाइफ है वो। अच्छा ये इधर में भी कुछ सामान रखा हुआ है, चेयर वगैरह। क्या लिखा है यहाँ पे? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। ओके मेरा हिस्ट्री तो बहुत वीक है, मुझे नहीं पता तो पूछ लिया। उनका फोटो, यहाँ पर गांधी जी का स्टैचू, फिर यहाँ पे भी कुछ विश्व मैग्निफिसेंट टावर। कुछ फोटो है यहाँ पे देख लो, सरोजनी लाइब्रेरी जा सकते हैं, बंद है शायद, बाहर से देख देता हूँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वे टू समाधि, चलो समाधि देखते हैं। यहाँ से कुछ ले सकते हैं उस टाइम का, वैसा टाइप का कुछ, मैं क्या करूँ लेके। हाँ पे ये ड्रिंकिंग वाटर, वेट समाधि किधर है भाई? गांधी जी ट्रेन से पास तो समाधि, चलिए जाके देखते हैं क्या। गांधी स्मारक किधर? पर यही है, पर कहाँ है मुझे कोई दिख नहीं रहे। फाइनली ये है गांधी जी की समाधि, नहीं उसका उनका ऐश है क्या यहाँ पे? ये ओके समझा मैं, ये ये श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी का है, वो महात्मा गांधी का है, ये श्रीमती
ये उनकी वाइफ का है और ये वाला महादेव। अच्छा ठीक है, जगह बहुत मस्त है, बहुत शांति है यार इधर। सारी गलती से कपल्स दिख गए, कहीं भी जाओ कपल्स नहीं छूटने वाले, हर जगह कपल्स ही कपल्स है। मैं कुछ बताना चाहूँगा, ये जो लड़का को दिख रहा है ये साला बहुत चालू वाले है, क्या करेगा पता है, अपना व्लॉग में ना इतना शरीफ बच्चा जैसे बोलेगा, जैसे कि क्योंकि इसका मम्मी पापा सब कुछ देखते हैं, और ऐसे बोलेगा ना ऐसे इल्मा कुछ बताना चाहेंगे। वो इल्मा तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपको तो रीजन पता ही है, बाकी के व्लॉग में पता चल ही नहीं होंगे। इल्मा नहीं बोल सकते इसके बारे में कुछ। बाकी सिलीगुड़ी को सबको पता है, आप लोगों को पता चल जाएगा। वो है कि मैंने इसको बोला कि मेरा फोटो खींचते, मैं वहाँ पे था, मेरे को वापस यहाँ बैठा दिया गया है, पर वो पहले साहिल का ही खींचेगी, समझ रहे हो आप डिस्क्रिमिनेशन। बस यहाँ पे मैं अकेला आया हूँ इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं, ये दोनों कपल्स बन गए हैं। मैं पर कोई बात नहीं, मेरे साथ भैया है मेरा, अभी ये गंदा चीज बोल रहा है तो नहीं चल रहा है। ओ तो भाई वो मेरा व्लॉग मैं तो करता हूँ ना, मुझे क्या, मैं तो बस पापा को पता है सब मेरा, व्हाट टू सब चलता है। अंकल जी आपका बेटा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, एटलीस्ट मैं अच्छा बन के बाहर से तो नहीं दिखाता ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ। हाय भाई पुणे, जल्दी वापस मिलेंगे, इस बार नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ, ये सर है भाई वो, इसको आउट कर दूँ। क्या क्या हुआ, देख देख देख, पिद्दी सी तो है ही, इधर आ।